देख रहे हैं डीजीएन न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधोगढ़ में हुआ युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र जिला गुना के द्वारा आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हिंदूपद इंस्टीट्यूट कोटाबाग राधोगढ़ में सत्यम युवा मंडल के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात अतिथि स्वागत हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के वर्मा एवं अध्यक्षता कंप्यूटर के सेंटर मैनेजर अजब सिंह धाकड़ ने की, एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में स्वच्छता अभियान से कुलदीप कश्यप, जन अभियान परिषद से परामर्शदाता महेश शर्मा, DNLUM से प्रदीप सैनी, मीडिया से दीपक विलडवान आदि ने उपस्थित होकर अपने अपने विभागों की संचालित योजनाओं जैसे व्यक्तित्व विकास, स्वच्छता अभियान, जैविक खाद, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की जानकारी विस्तार से दी। वहीं श्री जयंत ने नेहरू युवा केंद्र से संचालित गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। संचालन एवं आभार सतीश सैनी ने किया। इस कार्यक्रम में हिंदूपद इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर के समस्त स्टाफ आदि उपस्थित रहे। हम लोग नवांकुर समिति बनाते, नवांकुर एक योजना है हमारे, उसमें वो एक प्रस्फुटन योजना है। प्रस्फुटन में हम ग्रामीण स्तर पर, पंचायत लेवल पर जो ग्रामीण स्तर पर एक प्रस्फुटन समिति बनाते हैं, और उसमें गांव के ऐसे लोग होते हैं जो दुर्गा माँ की झांकी लगाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, या गांव में कोई और कार्यक्रम करते हैं, मतलब उनकी गांव में किसी न किसी रूप में कोई भागीदारी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को हम उस प्रस्फुटन समिति से जोड़ते हैं, और प्रस्फुटन समिति में अध्यक्ष, एक सचिव और राधोगढ़ से कमलेश सैनी की रिपोर्ट। म्याना के मणि माता मंदिर के पास खेत में बने कच्चे मकान में आग लग गई। बंटी परिहार नाम का व्यक्ति वहां अपने परिवार के सहित रहता था। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जल गया, और तो और खाना पीना ओढ़ने बिछाने के सामान भी जल गया। अभी कुछ दिन पूर्व भी खेत से निकला हुआ चना भी घर में रखा था, वह भी जलकर खाक हो गया। घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है। कुछ पता नहीं है कैसा लगी, हम तो घर पे ही नहीं आते। तो फिर कितनी बजी घटना है? दो ढाई का टाइम आता। नुकसान कितना हुआ? नुकसान कुछ नहीं बचा, घर में सब कुछ जल गया। और कुछ जला हुआ सामान कहाँ? जला हुआ सामान जो पड़ा है सब पड़ा है। म्याना से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आरटीओ विभाग मार्च खत्म होने के पहले ही आखिरकार जाग गया। अशोकनगर रोड पर आज वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, उनके फिटनेस आदि कागजों की जांच की गई। जांच साल भर भी की जा सकती थी, पर आरटीओ विभाग के अधिकारी इतने व्यस्त रहते हैं कि साल भर इन्हें समय ही नहीं मिलता, क्योंकि मार्च में बड़े फिगर इनको दिखाने होते हैं। इसलिए अचानक इस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को वाहन चेकिंग की याद आ गई, जिसको वह रेगुलर चेकिंग बता रहे हैं। सुरोही की है, शाम तक चलेगी, फिर रिपोर्ट बताएंगे कितना हुआ है। रेगुलर चेकिंग है, सभी चीज़ों की चेकिंग कर रहे हैं, परमिट, फिटनेस, PUC कार्ड, लाइसेंस, सारी चीज़ों की चेकिंग। सर आज कहाँ कर रहे हैं आप? जो कर रहे हैं अभी ये अशोकनगर रोड पर है, उसके बाद देखते हैं नया डेस्टिनेशन देखेंगे, नई प्लेस।
शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की शहादत दिवस पर आज DSO के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रांगण में एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसके साथ यहां पर भगत सिंह का एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसको DSO कार्यकर्ताओं ने सभी छात्र छात्राओं को वितरित किया और आग्रह किया कि इस पोस्टर को वो अपने घरों में लगाएं। वहीं उन्होंने बताया कि भगत सिंह ने एक सपना भारत को स्वतंत्रता दिलाने का देखा था, लेकिन वह कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से छूटकर भारत काले अंग्रेजों के अधीन हो जाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने की सभी से अपील भी की है। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस पर आज PG कॉलेज प्रांगण में पुष्पार्पण कार्यक्रम किया गया। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO शहीदों के सपनों को छात्रों युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। शहीद आजम भगत सिंह ने जो आज़ादी का सपना देखा था कि देश में एक आज़ादी ऐसी आए कि ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज चले जाएँ, काले अंग्रेज देश पर राज करें, वो एक ऐसी आज़ादी का सपना देखा था कि हर छात्र को, हर युवा को रोजगार मिल पाए, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, एक ऐसा आज़ादी का सपना जो भगत सिंह ने देखा था, जो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी आज अधूरा है। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO लगातार प्रयास कर रहा है कि वो जो आज़ादी का सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, उस सपने को पूरा कर पाए। इस मकसद से उनके विचारों को छात्रों युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO ने कॉलेज में प्रोग्राम किया, जिसमें PG कॉलेज के छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने पुष्प अर्पित किए, कॉलेज प्राचार्य ने पुष्प अर्पित किए और एक पोस्टर का, ऑल इंडिया DSO ने एक पोस्टर का विमोचन किया है। एक पोस्टर शहीद आजम भगत सिंह का, सभी छात्रों से हम लोगों ने अपील की है कि इस पोस्टर को अपने घरों पर लगाएं, जिससे छात्रों को भगत सिंह के विचारों को जानने का मौका मिले। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जलाभिषेक अभियान 2018-19 के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला एवं जल संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधीश राजेश जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, जिला पंचायत CEO नीतू परमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वही हम उपयोग में ला, इसके लिए आप सब लोगों की भागीदारी और आप सब लोगों का सहयोग निश्चित रूप से अपेक्षित रहेगा, क्योंकि पानी हाथों नहीं हो सकता जब तक सभी लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कॉलेज परिसर में मनाया शहादत दिवस। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था, इसी के चलते आज शहादत दिवस मनाया गया। वहीं तीनों शहीदों को याद भी किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे भाई उसको नीति आयोग नाम दे दिया, धीरे 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 ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, कई बार घाटा भी उठवाया हमने। जैसे नोट आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना ने PG कॉलेज में शहीद दिवस के रूप में मनाया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु जी का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि। दिल्ली में सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही गुना में भी उनके शुभचिंतक एवं उनके अनुयायियों द्वारा साथी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जिस तरह से अन्ना हजारे का सत्याग्रह जारी रहेगा, उसी तरह से गुना में भी सत्याग्रह चालू रहेगा। वहीं जो अन्ना की प्रमुख मांगे हैं, वहीं गुना में भी उनके अनुयायियों की हैं। अन्ना की प्रमुख मांगों में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति होना है, साथ ही किसानों को पेंशन मिले, इसके साथ ही नोटा बटन दबाने का मतलब राइट टू रिजेक्ट माना जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, साथ ही प्रत्याशियों का चेहरा चुनाव चिन्ह की जगह पर लगाया जाए, इन सभी प्रमुख मांगों को लेकर सत्याग्रह अन्ना हजारे के द्वारा किया जा रहा है, तथा साथ ही उनके लाखों प्रशंसक भी जुड़े हुए हैं। कोयला जिसकी
की कोई औकात नहीं होती। जब आंख में पड़ता है तो अंगारा हो जाता है। तू भूखे को जंजीरों से डराता है। अब कोई डरने वाला नहीं है, जहाँ लड़ने वाले बैठे हैं। और इस भगत सिंह ने कहा था कि हमें इस प्रकार की आजादी नहीं चाहिए कि काल गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज हम पर हुकूमत। जैसा कि सर्वविदित है, प्रस्तावित अन्ना आंदोलन जो दिल्ली में अन्ना हजारे जी कर रहे हैं, उसी के समर्थन में गुना में भी भ्रष्टाचार विरोधी मंच ने ये फैसला लिया कि पूर्व की भांति अन्ना की मांगों का गुना भ्रष्टाचार विरोधी मंच भी समर्थन करेगा। जैसा कि जितने दिन भी अन्ना का आंदोलन चलेगा दिल्ली में, उसी प्रकार से अन्ना के उस आंदोलन के समर्थन में गुना में भी भ्रष्टाचार विरोधी मंच आंदोलन करत रहेगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने नियमितकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इसी कार्यक्रम में 32वें दिन संविदा कर्मचारियों द्वारा ब्रिटिश समय की जेल बनाकर उसमें कैद होकर संविदा नीति का विरोध किया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के डॉक्टर नीरज मीना ने बताया कि हड़ताल के 32वें दिन ब्रिटिश राज्य में जो शोषण किया जाता है, उसी तरह मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। धरना स्थल पर ब्रिटिश समय की अस्थायी जेल निर्मित कर उसमें कैद होकर संविदा नीतियों का विरोध किया गया। डॉक्टर नीरज मीना ने बताया कि हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, लेकिन विभाग और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस अवसर पर सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी भी की गई। इसमें संविदा नीति वापस करो, काला कानून खत्म करो आदि नारे लगाए गए। संविदा कर्मचारियों ने नियमित एवं निष्कासित साथियों की बहाली को लिखित आदेश नहीं आता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अरे समझौता भी समझौता भी यही तो चक्कर यही तो चक्कर कौन करेगा के सरकारों को। आज संविदा कर्मचारियों की 33 दिन की हड़ताल है। जैसा कि आप और हम सबको पता है कि आज शहादत दिवस है। शहादत दिवस में जिस तरह से राजगुरु आपके तीनों लोगों साथियों को हमारे युवा साथियों को फांसी दी गई थी, उसी तरह से हम तीनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ पर फांसी के तख्ते पर एक नाटक के स्वरूप यहाँ पर लटका गया है। क्योंकि संविदा नीति का हम विरोध करते हैं, तो जिस तरह से फांसी उन तीनों हमारे साथियों को दी गई थी, उसी तरह से संविदा कर्मचारियों का ये फांसी का गले का फंदा हमारे कर्मचारियों के गले में आज भी लटका हुआ है। इसलिए आज हमने विरोध स्वरूप इस तरह का ये नाटक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। बकरी को मारने का विवाद पहुंचा थाने, बकरी का कराया गया पोस्टमार्टम। मऊ गांव में रहने वाले बकरी मालिक ने बताया कि गांव के ही पियाराम ने बकरी को लाठियों से मार दिया, जिससे बकरी मर गई। इसके बाद पियाराम और रोड जी के घर वालों में विवाद हो गया, जिसकी शिकायत मकसूदनगढ़ थाने में आकर रोड जी ने करवाई है। उधर मामले को देखते हुए मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी राजीव दुबे ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर बकरी को पीएम कराने के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया। वहीं डॉक्टर ने बकरी का पीएम भी किया। आपका नाम? रोड जी। कहाँ के हो आप? मऊ। तो क्या हुआ ये? लटिया मारी सर। किस में? बकरी। कौन ने मारी? प्यारान। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मर गई सर। तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या गांव में? गांव में लड़ाई झगड़ा कहीं मन मारी जा दुल्हन और चली गई, दुल्हन के दांत लग दी। पास कौन ने दिए? प्यारा ला। और कौन थे? वे दो ही सासू बहू ऐसी। अच्छा। और यो कई नाम है गुरु? ढोलियो सोर एक वक्त मोड़ा का नाम। तेज तर्रार पुलिस चौकी प्रभारी भागीरथ शाक्य ने नगर में अभियान चलाकर शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया। जो असामाजिक तत्व पुलिस के हत्थे चढ़े, उनको पैदल जुलूस निकालते हुए चांचौड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और बैठो, 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 और बैठो,
बीनागंज से हमारे सहयोगी दिनेश भार्गव के साथ आरके शर्मा की रिपोर्ट। हजरत चांसा वाली दरगाह पर 9, 10 एवं 11 अप्रैल को आयोजित होगा उर्स मुबारक। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत चांसा वाली दरगाह कमेटी के जेरे सरपरस्ती उर्स हजरत चांसा वाली आयोजित किया जा रहा है, जो कि 9, 10 एवं 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस उर्स में आयोजन कमेटी के अध्यक्ष सर्वसम्मति से अनुज जैन के अच्छी वीडियो को बनाया गया है। इस उर्स में जाने माने कव्वालों के बीच कव्वालियों के मुकाबले होंगे, जिनमें 10 अप्रैल को शब्बीर सदाकत सावरी व मुजल्लिम हुसैन कादरी के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा, जबकि 11 अप्रैल को रात मुंबई के मशहूर कव्वाल दानिश इकबाल सावरी एवं दिल्ली के मशहूर कव्वाल फहीम वासरी गुलाम वासरी के बीच शानदार कव्वाली का मुकाबला होगा। हजरत चांसा वली दरगाह कमेटी के सचिव परवेज मंसूरी उर्फ विक्की ने जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह शरीफ के लिए चादर 9 अप्रैल को जनाब शरीफ भाई भारत एग्रीकल्चर वालों के निज निवास गोपाल मंदिर के पास से उठाई जाएगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह पहुंचेगी। साथ ही बाद नमाज ईशा मिलाद शरीफ भी होगी। साथ ही दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ उर्फ पप्पू भाई ने जिले भर के धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि वे बढ़ चढ़ कर उस मुबारक में हिस्सा लें। इस उर्स की मीटिंग चांसा वाली प्रबंधक कमेटी ने एक मीटिंग की, जिसमें यह तय किया गया सबकी सहमति से अनुज जैन की अच्छी बड़ी को अध्यक्ष बनाया गया उर्स कमेटी का, जो कि उर्स 9, 10, 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस उर्स में हिंदुस्तान के मशहूर फारूक कव्वाल पार्टियां तशरीफ लाएंगी 9, 10, 11 में। डिजिटल न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।